सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और आज अपने पास है ये 2020 वाली जो हुंडई की क्रेटा आती है, ये EX वेरिएंट है डीजल में, और इसी इस टाइप की कुछ फ्लिप की मिलती है इसके साथ। टॉप मॉडल्स में तो ऑब्वियसली कीलेस एंट्री वगैरह सब मिलती है, तो इस टाइप का कुछ देखो फ्रंट लुक है क्रेटा का। ये वाइट कलर में है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे अपनी जो लाइटें हैं इसमें, ये क्योंकि बेस वेरिएंट है तो इसमें फिर भी प्रोजेक्टर दिया जाता है, हैलोजन बेस प्रोजेक्टर है। ये इसका DRL हो गया, पूरा DRL है, और जब इंडिकेटर देते हैं तो ये ऊपर वाला जो है ये इंडिकेटर में इसका कन्वर्ट हो जाता है। इधर आपको मिल गया इसका फॉग लैम्प, और बाकी सामने क्रोम वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, और मतलब सिंपल सी इसकी ग्रिल दी हुई है। यहाँ देख लो वो रेडिएटर और इंटरकूलर आपको क्लियरली इसका दिख रहा है, और बस आगे से ज़्यादा तो इसमें और कुछ है नहीं, सिंपल सा आगे डिज़ाइन है इसका। एक मिनट, बोनट इसका काफ़ी ज़्यादा भारी है। हाँ तो ये देखो, ये डीजल है, ये 1.16 वाल्व वाला इसका अपना डीजल इंजन आता है इसके अंदर, और बात करें 1.5 लीटर का इंजन है इसका, 113 BHP और 250 Nm टॉर्क, ठीक है। और बाकी क्योंकि ई वाले वेरिएंट में तो जबकि इंडिकेटर इसके यहाँ फेंडर पे आते हैं, बट इसमें ORVM पे है, बट ये फोल्डेबल नहीं है, इंटरनली मैनुअली करने पड़ेंगे। जो अपना जो एलॉय लगा हुआ है इसमें, ये 17 इंची का है। अगर इसका टायर साइज़ कहाँ गया इसका, ये रहा 215/60/R17, ये बाहर से लगा हुआ है। इसका टॉप एंड जो है एलॉय वो वाला है ये इसका, मतलब जो टॉप एंड वेरिएंट में जो आता है इसका SX ऑप्शनल वाले जो एलॉय है वो लगवा रखा है ये, कम कस्टमर ने अपनी प्रेफरेंस है। और बाकी इस टाइप की कुछ है क्लियरेंस, इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी खासी क्लियरेंस है और कंफर्टेबल सीटिंग है। ये इसमें आपका ये कलर अलग मिलता है, ये प्लास्टिक का पैनल है इसके साथ, ये बाहर से लगा हुआ है। और बाकी अगर पीछे की साइड आएँ तो क्योंकि बेस वेरियंट से जस्ट एक ऊपर ही है, तो ना तो पीछे आपका वो है, डिफॉगर भी नहीं है पीछे, साथ साथ वाइपर भी नहीं है पीछे, कुछ भी नहीं है। और ये इसकी बार लाइट है, मतलब ये तो जो ये लोग वैसे इसमें बाहर से भी काफ़ी लंबी लाइट लगा लेते हैं, बट ये स्टॉप लैंप है हाई माउंटेड वाला। ये इसकी पीछे टेल लाइट्स हैं, वो जो सिंपल जो आगे जो वो जिस तरीके का डिज़ाइन था उसी में ये, पर अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये देखो इतनी मोटी नहीं है लाइट, ये आप टॉप मॉडल में लोगे ना तो पूरी की पूरी लाइट आती है। अभी तो जितनी दिख रही है ना इसमें इतनी लाइट है, ये कुछ कुछ चीज़ों का इसमें फ़र्क है। और इस साइड आपको मिलता है एक रिवर्स लैंप, और मतलब ये दोनों साइड रिवर्स लैंप है, और ये आपके यहाँ पे साथ आगे रिफ्लेक्टर्स। इस टाइप का कुछ रेयर डिफ्यूज़र ही थोड़ी सी एक्सीडेंटल है तो उसको माइंड मत करना। क्रेटा की यहाँ बैजिंग आती है बड़ा बड़ा, ये हुंडई का लोगो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेल गेट ओपनर है, ये स्विच दबा के फट से खुल जाएगा। और यहाँ आपके कुछ ये बूट स्पेस है इसकी, काफ़ी बड़ी बूट स्पेस है, मतलब अगर इतना भी दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, बट ये अच्छा खासा इसके में बूट स्पेस है। पार्शल सिर्फ मिलती है आपको ये EX मॉडल से स्टार्ट हो जाती है, ई वाले मॉडल में आपको नहीं मिलती। और यहाँ पे ये जो ये बड़ा इसका एक्सपेयर व्हील, अब ये जो है ना टायर, ये आपका वो है विद एलॉय नहीं है इस गाड़ी में, यही वाले आते हैं, बट ये जो मैं बता दूँ ना कस्टमर ने चेंज करा रखा है। ये इसका ओरिजिनल साइज़ है जो इस वाली गाड़ी में आता है, 205/65R16, ये कंपनी वाले यही देते हैं इसमें EX वेरिएंट में, ये तो कस्टमर ने बाहर से लगवा रखा है। बाकी यहाँ पे एक भी ये बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको लाइट भी मिलती है। अब चलते हैं इस साइड आ जाते हैं थोड़ा पीछे, ये आपको फ्यूल टैंक आपको मिल गया इधर, इसका शायद 40-45 लीटर इसका फ्यूल टैंक है इसका, और की इसे दोनों आपके होंगे। अभी मैंने जो ये आगे वाली सीट है ये अपनी तरफ से एडजस्ट कर रखी है, मैं थोड़ा इसको और सेट कर लूँगा। अभी दरवाजे पे बात करें जो पीछे हैं, तो आपको यहाँ मिल जाता है स्पीकर, इसमें ट्विटर नहीं मिलता आपको, साथ ही आपको पावर विंडो कंट्रोल है, इधर काफ़ी बड़ा पकड़ने की जगह है अच्छी का, यहाँ आराम से 1.5 लीटर की बोतल आ जाएगी। तो यहाँ बैठ के कुछ देखे तो अपन देखो इतनी यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, कम्फर्टेबल सीटिंग है। स्पेस वाइज क्रेटा शुरू से काफ़ी अच्छी है, देखो ये थोड़ी नॉर्मल सीट हल्की सी आगे कर रखी है, तो देखो ये कितना अच्छा स्पेस है। ये सीट कवर्स बाहर से ऑब्वियसली लगे हुए हैं, और ये जो बेस वेरिएंट है इसमें ना तो आपको मिलेगा हेडरेस्ट एडजस्टेबल, और आपको आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता इसमें, तो भाई ऐसे ही बैठना पड़ेगा इसमें। पर यह है कि जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि बेस वेरिएंट से भी आपको AC कंट्रोल यहाँ मिल जाता है, यहाँ आपको फ़ोन वोन रखने की जगह है, कोई भी चार्जिंग सॉकेट नहीं है, वो एक ड्रॉबैक है। और बेंच इतनी चौड़ी है कि आराम से 3 जने बैठ जाएँ, और हेडरूम भी अच्छा खासा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर यहाँ पर एक लाइट मिल गई, ये भी आप कर सकते हो, और हैंडल्स हैं उस साइड हुक के साथ है कोट टांगने के लिए। तो ये अब इसको हम लोग वापस करते हैं, हॉर्न बजते हैं। और ये जो इसके डोर हैंडल्स हैं ये आपको लोअर वेरिएंट में बॉडी कलर्ड मिलेंगे, और टॉप मॉडल लोगे तो आपको क्रोम वाले मिलेंगे रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। ये बोल बोल के आदत इतनी ऐसी चेंज हो गई है ना, तो इसी सीट एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये इसका ड्राइवर साइड डोर है जिसमें आपको यहाँ पे ORVMs कंट्रोल मिल जाते हैं, पर ये मैंने आपको बताया ना क्योंकि बेस वेरिएंट है तो आपके खुलना और बंद होना, इनका जो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग फंक्शन है वो आपको इससे नहीं मिलेगा,
इसमें बस आपको यहाँ से ये डोर लॉक अनलॉक करना पड़ेगा, वो खोलने आपको मैन्युअली पड़ेंगे, बट ये अच्छी बात है कि आप एडजस्ट यहाँ से कर सकते हो, ये बाकी डोर लॉक करने के लिए, डोर ओपन करने के लिए। ये सब भी आपको एकदम सिंपल प्लास्टिक वाला मिलेगा, सिंस बेस वेरियंट है, पावर विंडो कंट्रोल्स हैं और ऑटो अप ऑटो डाउन भी नहीं है, अच्छा खासा पकड़ने की जगह है यहाँ पे, और यहाँ नीचे स्पेस काफ़ी अच्छी है, स्पीकर प्लेसमेंट इसकी यहाँ पे, और ये बात भी अच्छी है कि इसमें यहाँ पे भी आपको ट्विटर्स मिलते हैं। तो अब की इंसर्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे इसकी लगती है की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से देख लेते हैं, देखो बैकलेट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और वैसे प्राइस के सबसे काफ़ी अच्छा है यार ये भी। आपको यहाँ पे कूलेंट टेम्परेचर मिल गया सबसे पहले, इधर आपको टैकोमीटर मिल गया, ये डीजल है, और इधर आपको टेलटेल लाइट्स मिल गई, एक MID है, और यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल गया, और इधर आपको फ्यूल गेज मिल गया। अब स्टेयरिंग व्हील पे अगर बात करें, स्टेयरिंग व्हील इसका ये सारे मॉडल्स में सेम आता है, बस यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का फर्क आता है, इस वाले वेरियंट में क्रूज कंट्रोल नहीं आता आपका, और इधर आपके बाकी कंट्रोल्स आ गए। अब इसको ब्राउज करने के लिए अपन यहाँ से ये वाला जो स्विच है इनको यूज़ करके अपन इसको देख सकते हैं, इसमें अलग अलग चीज़ें, ये हुंडई का जो फिक्स आता है, फ्यूल इकोनॉमी आ गई आपकी, आपका डिजिटल स्पीड आ गई, और ड्राइवर ये ड्राइव इन्फो आ गया जो हर बार रीसेट हो जाता है गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, और एक्यूमुलेटेड इन्फो, ये तो आप इसको अपने हिसाब से रीसेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर सिस्टम है, और बस ये है हॉर्न, यहाँ है इसका हॉर्न अच्छा खासा है, ये सारा ही पॉपो वाले हॉर्न ही आते हैं इनमें। इधर आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, जिसमें अच्छी खासी स्पेस है, कुछ पेपर्स पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पड़ा है, ये अच्छी खासी स्पेस है, दो बॉटल होल्डर हैं, टेप है टेप तो मतलब एडिशनल, इधर हैंड ब्रेक मैनुअल है, और आपको यहाँ पे ये डीजल है तो 6 स्पीड का आपको गेयरबॉक्स मिल जाता है। एक बहुत जो मेरे को ड्रॉबैक लगा कि ये क्या आप रिवर्स गियर भी जब डालोगे इसको, इसको यहाँ पे लीवर को उठा के, ये हुंडई का फिक्स है, तो ये डालोगे तो आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा ही नहीं मिलता यार। चलो इतनी शांति बहुत है उस चीज़ के लिए। और आपको ऑटोमेटिक वगैरह के भी ऑप्शंस मिलते हैं। गेयरबॉक्स की बात करें तो आपको इंजन की सबसे पहले बात करता हूँ, इंजन आपको जिसमें 3 मिलते हैं, एक तो जिसमें डीजल में मैं बैठा हूँ 1.5 लीटर वाला, फिर आपको 1.4 लीटर का आपको पेट्रोल भी मिलता है, एक 1.3 या 1.4 लीटर का पेट्रोल मिलता है, और आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर का टर्बो इंजन भी मिलता है क्रेटा के साथ। अब यहाँ पे कोई यहाँ पे बस स्पेस है, वायरलेस चार्जर वगैरह आता है टॉप मॉडल्स में, ये सॉकेट आ गया आपका चार्जिंग के लिए इसमें, और ये आपका USB आ गया जो मीडिया क्लो पेन ड्राइव वगैरह लगाने के लिए, और ये चार्ज करने के लिए। इसमें मैनुअल AC है, ऑटोमेटिक AC आता है ऑब्वियसली उस वाले में, तो ये आप सिंपल इधर सेलेक्ट कर लो कि आपको हवा कहाँ चाहिए, ये सर्कुलेशन मोड, फैन स्पीड, AC ऑन ऑफ और टेम्परेचर, ये हैजार्ड लाइट स्विच आ गया, और साथ साथ ये एक बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसमें कैमरा वैमरा का नहीं है, एप्पल कार प्ले वगैरह का भी कोई से इसमें सपोर्ट नहीं है, बस यहाँ आपको बेसिक चीज़ें रेडियो वीडियो चला सकते हो, और आप MP3 वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। सेटिंग्स में भी जाओ तो ज़्यादा आपको साउंड ओनली सिलेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा आपको यहाँ पे चीज़ें इसमें वाले में मिलती नहीं है, बट ठीक है फिर भी कुछ दे रहे हैं, बट यार रिवर्स कैमरा देना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी जो इनने यहाँ पे मिस आउट कर दिया। आपका जो ORVM है, ORVM बोल रहा हूँ, IRVM जो है ये आपको डिमेबल मिलता है बट मैनुअल है, यहाँ आपको लाइट्स मिल जाती हैं, और एक आपको यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है। इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं मिलता है इस गाड़ी में, जबकि टॉप वेरिएंट में काफ़ी अच्छा मिलता है। तो ये कुछ है डैशबोर्ड क्वालिटी भी से देखा जाए तो हार्ड ही है पूरा, इधर थोड़ा सा सॉफ्ट है बट ओवरऑल पूरा हार्ड है। ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज है, इसमें कूलिंग फंक्शन नहीं मिलता है, वो भी टॉप मॉडल में ही है, पर वैसे ओवरऑल गाड़ी ने अच्छी मतलब बेस वेरिएंट के सबसे भी अच्छी की है, बेस वेरिएंट से एक ऊपर मॉडल ही है, बट यार रिवर्स कैमरा वगैरह देना काफ़ी ज़रूरी था, बट आपको सेंसर ज़रूर मिलते हैं इसके पीछे वाले। तो बस इस टाइप का कुछ है, म्यूजिक वगैरह सब मैंने सुना दिया, नीचे आपको मैंने बता दिया डेड पेडल भी मिलता है, स्पेस काफ़ी अच्छी है, सीट्स काफ़ी चौड़ी हैं, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, और बस यही है, बाकी अभी गाड़ी चला के देखते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब गाड़ी को चला के देखते हैं अपन, तो ये वाला मैंने जैसे कि बताया कि अपने पास डीजल वाला वेरियंट है, तो इनिशियल इसका जो इंप्रेशन है इंजन के काफ़ी अच्छे हैं वैसे। अब क्रेटा में सबसे ज़्यादा जो इंजन बिकता है वो जैसे ये डीजल वाला ही है, क्योंकि ड्राइवेबिलिटी इस इंजन की काफ़ी अच्छी, टॉर्क मैंने बताया था 250 Nm का टॉर्क है इसमें, तो पिकअप वगैरह AC की परफॉर्मेंस सब काफ़ी शानदार है गाड़ी की, और स्टेयरिंग व्हील अच्छा है गाड़ी से, जो व्यू है सामने बोनट वगैरह वो बोनट अच्छा क्लियरली दिखता है इसमें, मिरर से भी जो विजिबिलिटी वो भी अच्छी है, और सस्पेंशन इसका थोड़ा सा सॉफ्ट ही है पर मतलब अच्छा है, क्योंकि आप जितने इसमें 4 जने कम्फर्टेबली बैठ सकते हैं तो उस हिसाब से तो काफ़ी अच्छा इसका है। बाकी अगर अपन रीचेबिलिटी की बात करें तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, सारे बटन आसपास ही हैं अपने, AC का भी थोड़ा सा टिल्टेड ही है अपनी तरफ ही, और हॉर्न पैड वगैरह इसमें बीच में पूरा हॉर्न पैड आ जाता है, यहाँ पे ऑडियो के कंट्रोल मिल जाते हैं तो आपका ध्यान नहीं भटकता उधर। बाकी सनशेड वगैरह भी है वो भी अच्छा खासा कवर कर देता है, इस साइड भी देखो तो ज़्यादा मतलब पूरे धूप वगैरह भी पूरी बचा लेता ही है, और मिरर वगैरह का भी अच्छा खासा है,
अगर आपको सेटिंग करनी है इसकी जो नाइट मोड में करना होता है वो भी सीधा इजीली यहाँ से आपका हो जाता है। बाकी कंफर्ट वगैरह वाइज तो मैंने बताया कि गाड़ी अच्छी खासी है, टॉर्क ज़्यादा होने की वजह से चलाने में आसानी काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे लोग और एसी बैठ जाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बेस्ट इंजन है, अगर आपको माइलेज और एवरेज के हिसाब से चाहिए हो, पावर भी काफ़ी अच्छी खासी है और सेकेंडली आपको एवरेज अच्छा खासा मिलता है, 24-25 का एवरेज नॉर्मल ड्राइविंग पे कहीं नहीं गया। और आप बिल्कुल रंपा के भी चलाते हो तो भी 19-20 की एवरेज तो कम से कम ये गाड़ी ईजिली निकाल के दे ही देगी। बाकी बस यही है, मैंने आपको ड्रॉबैक बताए थे इस गाड़ी के, अगर जैसे इतने पैसे लेने के बाद भी एक रेयर व्यू कैमरा भी नहीं देते, तो वो चीज़ एक ऐसी है जो मेरे को थोड़ी खटकी। और साथ साथ ये है कि क्लच इसका लाइट है, क्लच वगैरह का भी बता दो, तो क्लच लाइट है इसमें, क्लच में हैवीनेस नहीं है बिल्कुल भी डीजल होने के बावजूद भी, और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, खड़ी पैर ब्रेक जहाँ लगाओ वहीं गाड़ी इसमें रुक जाती है। तो बस यही था कुछ क्रेटा के बारे में, क्विक एंड ईजी वीडियो बनाया मैंने, और आप लोगों को सारा अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो मेरे को बताना ज़रूर, और अपन आगे और ऐसी गाड़ियों के वीडियोज़ एक के बाद एक कवर करते जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और एक नई वीडियो में।